ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सप्त दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह 17 सितंबर से भगवान श्री राम श्री कृष्ण कथा का तात्विक विमोचन के साथ शुरू होगा। 18 सितंबर से विभिन्न समसामयिक विषयों पर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए मंदिर के मुख्य पुजारी कमलनाथ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने बताया कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने धर्म संस्कृति शिक्षा समाज एवं राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुआयामी एवं लोक संग्रही व्यक्तित्व से अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत 18 सितंबर को उद्घाटन समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना, 19 सितंबर को वैश्विक महामारी कोरोना एवं हमारा स्वास्थ्य, 20 सितंबर को सामाजिक समरसता में संतों का योगदान, 21 सितंबर को संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति, 22 सितंबर को भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषय पर सम्मेलन गोष्ठी होंगे, 23 सितंबर को महंत दिग्विजयनाथ की तथा 24 सितंबर को महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। प्रोफेसर यूपी सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समापन अवसर पर 23 सितंबर को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और 24 सितंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अयोध्या धाम से आए स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर द्वारा श्री राम कृष्ण कथा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा, हर वर्षों की बात इस वर्ष भी दोनों हमारे दो पूज्य ब्रह्मलीन महाराज महंत जी रहे हैं, कथाधीश रहे हैं, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, इन लोगों की श्रद्धांजलि में इस समारोह मनाए जा रहे हैं। एक सप्ताह तक का कार्यक्रम चलेगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम तो 18 शुरू हो रहा है, लेकिन इसके एक दिन पहले राम कथा का आयोजन होगा, जो रामानुजगुरु रामानुचार्य महाराज से ही स्वामी वासुदेवाचार्य महाराज जी के विद्या भास्कर जो अयोध्या से पता रहे हैं उनकी कथा होगी, जो एक सप्ताह तक चलेगी। 17 से लेकर के 23 तक एक कथा चलेगी, अपराह्न में एक कथा होती है। 17 तारीख को पूज्य महाराज जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो रहेंगे कथा के उद्घाटन दुश्मन, और इसके बाद 18 तारीख से मुख्य जो समारोह हो रहे हैं एक सप्ताह का प्रारंभ होगा। जैसा कि हर वर्ष होता है, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर गोष्ठियाँ होती हैं। इन गोष्ठियों में विद्वान वक्ताओं के विचार सुनने को मिलते हैं और इससे समाज लोग लाभान्वित होते हैं। हमारे दोनों ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर महाराज जी को कुछ बातें बहुत ही उनके निकट के थी, जिसके क्षेत्र में उन्होंने समाज को हमेशा प्रबोधन किया। तो जो विषय हैं उसमें कुछ तो समसामयिक हैं और कुछ जो हर वर्ष चलने वाले विषय हैं वह हैं। समसामयिक विषय में जो आजकल के सबसे महत्वपूर्ण है, कोविड-19 के चुनौती जो समाज के सामने आई है, उस चुनौती के बारे में जनता को क्या करना चाहिए और शासन की ओर से क्या हो रहा है, क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, अपने स्वास्थ्य की चिंता इस कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में एक गोष्ठी रखी गई है 19 तारीख को। 18 को इस श्रद्धांजलि समारोह जो सप्ताह का है उसका उद्घाटन होगा। उस उद्घाटन समारोह में पूज्य महाराज जी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर रहेंगे उद्घाटन समारोह। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस विषय के ऊपर उस दिन गोष्ठी रखी गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ही
समर्थ भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत और समर्थ भारत, ये हम सब लोगों की आकांक्षा है कि भारत एक रहे। एक संस्कृति है तो एक भारत है, और श्रेष्ठ भारत रहे। श्रेष्ठ भारत तो है ही है, रहेगा हमेशा। और समर्थ भारत, हर माने में समर्थ भारत। तो ये एक पहला दिन गोष्ठी का विषय है, जिसका कि महाराज जी, पूज्य महाराज जी उसमें रहेंगे और उद्घाटन समापन वो रहेंगे। आगे के कार्यक्रमों के बारे में जो जानकारी होगी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। उसके बाद में फिर 19 तारीख को जैसा मैंने कहा, वैश्विक महामारी के बारे में और अपना स्वास्थ्य, COVID-19 में हमारा स्वास्थ्य और इसके संबंध में जो प्रकाशन लेना होगा आम नागरिकों को, और जिस ढंग से इस बीमारी से, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने तो लगभग इस बीमारी को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर रखा है और सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की। हर व्यक्ति ने पूरे देश में, समाज में इसकी प्रशंसा हुई है। ऑस्ट्रेलिया के एक MP जो है आया था यहाँ कोविड की में, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किया है, जिस ढंग से नियंत्रण किया है, उसकी भूर प्रशंसा की है। और यहाँ तक कहा है काश योगी राजी ऑस्ट्रेलिया में होते, यहाँ तक कह गया वो। तो जिस तरह से नियंत्रण किया गया है, सब लोगों ने, मोदी कई मानों में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है कोविड के नियंत्रण के मामले में, टीका लगाने में नंबर एक पर है, नियंत्रण करने में जितनी होते हैं हर एक में एक में है। वहाँ से जो पहले कोविड वन के टाइम में जो लोग फंस गए थे राजस्थान में, तमाम उनको निकालने में नंबर एक पर है। हर माने में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर रहा है। तो कोविड के बारे में हम जनता को स्वास्थ्य की कैसे चिंता करना चाहिए, क्या प्रकाशन लेना चाहिए, समय समय पर आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी रचनात्मक योगदान किया है इस बीमारी के कंट्रोल करने के लिए नागरिकों के प्रबोधन में। तो आगे भी हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आप इसके प्रबोधन के बारे में जैसा आप करते रहे, मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने अच्छा कार्य किया है कोविड के रोकने में, आप पत्रकार बंधुओं ने। उसके बाद कुछ विषय तो ऐसे होते हैं जो कि हर वर्ष आते हैं। उसमें एक विषय सामाजिक समरसता का विषय। सामाजिक समरसता तो गोरखपीठ के कहते हैं DNA का एक अंग है। हर वर्ष हम समाज न केवल हम गोष्ठी करते हैं बल्कि उसको व्यवहारिक जगत में उतारते हैं। एक होता है थियरी, एक होता है प्रैक्टिस। तो सैद्धांतिक पक्ष जहाँ चर्चा होती है वहीं पर इसको हमेशा समाज के अंदर वो अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, या पीठ ने सामाजिक समस्या को का फैलाव किया है। तीसरा विषय भी जो कि हर वर्ष होता है वह संस्कृत और भारतीय संस्कृत विषय भाषा और भारतीय इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, ये भी हर विषय पर होता है, इसके बारे में सर होगी। चौथा विषय भी जो आपका होता है भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा, हर विषय ये गोरक्षा, गोरक्ष तो है ही है, गोरक्षपीठ ही है। तो गोरक्षा के संबंध में भी हमेशा यहाँ पर इस पीठ ने अग्रणी भूमिका निभाई है और इस विषय के ऊपर भी चर्चा होनी होगी इस गोष्ठी के अंदर। तो ये तो 5 महत्वपूर्ण विषय हो गए जिनके ऊपर चर्चा होने जा रही है। और 2 दिन 23 और 24 के कार्यक्रमों में श्रद्धांजलि समारोह होंगे। 23 तारीख को ब्रह्मलीन पूज्य महंत दिव्यनाथ जी महाराज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश केंद्र के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और महाराज जी की अध्यक्षता में विचित होकर महाराज जी उसमें उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद आपको जानकारी होगी कि तारा मंदिर में महंत की मूर्ति का अनावरण भी होने जा रहा है उसी दिन 2 बजे के बाद। पूर्वांध में यहाँ गोष्ठी होगी, श्रद्धांजलि समारोह होगा, गोष्ठी नहीं समारोह होगा, और अपराध में मूर्ति का अनावरण होगा। इसी प्रकार से 24 तारीख को ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के स्मृति में श्रद्धांजलि में कार्यक्रम किया रखा गया है। इसमें भारत सरकार के माननीय प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर भी
दोपहर में ये गोष्ठी होगी सामाजिक संगठनों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा, सामाजिक संगठन के माध्यम से, और अनेक दो सांस्कृतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं या राजनीतिक संगठन हैं, उनके जो कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी माननीय केंद्रीय प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उसमें उपस्थित होंगे। और उसी दिन अपरांत में 2 बजे के बाद चौक बाजार जो महाराजगंज में है, चौक बाजार में एक अच्छा शैक्षणिक परिसर वहाँ पर स्टैब्लिश हो चुका है, वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, महिलाओं का विद्यालय है, छोटे बच्चों का विद्यालय है, एक अच्छा शैक्षणिक परिसर वहाँ पर स्थापित हो गया है। उसमें महंत पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण होगा और उसको भी श्री राजनाथ सिंह जी रहेंगे वहाँ पर और पूज्य महाराज जी रहेंगे, इन लोगों की उपस्थिति में मूर्ति का अनावरण वहाँ पर पूज्य महंत अवैधनाथ जी का होने जा रहा है। तो एक सप्ताह का कार्यक्रम है, इस सप्ताह कार्यक्रम के अंदर महाप्रताप शिक्षा परिषद की सारी संस्थाओं का योगदान होने जा रहा है, समाज के विभिन्न विभिन्न लोगों का होने जा रहा है और विभिन्न वक्ताओं को हमने इन्वाइट किया है। इसकी सूची आपको सूची मिल जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा हम उसको कहाँ तक पढ़ें, सूची आपके सामने है। इस सूची के हिसाब से जो हैं विद्वान वक्ताओं के विचार सुनने को मिलेंगे और पूरा समाज इससे लाभान्वित होगा। हम उसको कोशिश करेंगे कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से इसको हम प्रसारण करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर भी उन विद्वान वक्ताओं के विचारों को सुन सकें और लाभान्वित हो सकें। तो ये कार्यक्रम है वो बताने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया, आप यहाँ आए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।